पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के सिविल लाइन्स स्थित बिजली घर में आज उस समय हंगामा मच गया जब कुछ लोगों ने मिलकर एक दलाल की पिटाई कर दी। दरअसल इस दलाल पर आरोप लगे कि इसने बिजली बिल ठीक कराने के नाम पर कई बिजली उपभोक्ताओं से धोखे से पैसे ले लिए और फिर फरार हो गया। आज लोगों ने इस दलाल को सिविल लाइन्स के अम्बेडकर पार्क स्थित नगरीय विद्युत वितरण खंड के ऑफिस में पकड़ लिया और अपने पैसे मांगने लगे तो हंगामा खड़ा हो गया। देखते ही देखते दलाल की जोरदार पिटाई कर दी। बिजली घर के ऑफिस में दलाल की पिटाई होता देख मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस घटना पर जानकारी देते हुए बिजली विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस व्यक्ति ने बिल जमा कराने के नाम पर पैसे लिए थे, आज जिसे पकड़ लिया गया है। अब पूरे विभाग को ऐसे लोगों से सतर्क कर दिया गया है। ये मुझसे बोला आप कागज दो, मैं अभी अभी डलवाता हूँ। किसके पैसे डलवाने आए थे आप? अपने मीटर में पैसे डलवाने आए थे 3000 रुपए। इनने मुझसे कागज लिया, मुझसे बोला भाई साहब आप मुझे कागज दो अपना, मैं अभी डलवाता हूँ पैसे। मैं फिर उसको दे दिया, बोला अंदर बड़े भाऊ से यहाँ पे नहीं डलेंगे आपके पैसे, बड़े भाऊ डाल देंगे अंदर से। तो मैंने अंदर से दिया, एक मिनट में गायब हो गया। कहाँ बैठता है ये? बैठता नहीं, कुछ नहीं है यहाँ का, बोलता है कहाँ बैठा हुआ था जब ये उधर वाले कमरे में रूम में बैठा था, ऑफिस के पास अंदर रूम में बैठा हुआ था। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर आज आपको कैसे पता चला? मेरा नंबर सब कुछ एड्रेस ले लिया था। क्या बोले वो आपसे? बोले भाई मैं जब मैं इसको पकड़ लूंगा मैं आपको तुरंत फोन कर दूंगा, आप आ जाना। उन्होंने तुरंत नहीं बुलाया। कौन से बाबूजी के नाम बताया उन्होंने? कुछ बैठे अंदर ये संज्ञान में आया कि नवाब अली जी कुछ दिन पहले बिल जमा करने आए थे तो ये इनके साथ ही कहीं से पीछे से लग लिया और यहाँ आके इनसे पैसे ले लिए जमा कराने के नाम पे, फिर निकल गया यहाँ से। तो हमने अपनी पूरी टीम को अलर्ट किया कि अगर इस तरह के कोई बाहरी व्यक्ति आए तो पहले संज्ञान पूरा करें। उसी में आज संज्ञान में आ रहा कि आज पकड़ा गया है मौके पे और साथ पैसा भी वापस कर दिया है क्या? हाँ, पैसा वापस कर दिया। सर कितने लोगों से इस तरह से धोखाधड़ी करके ठगी करी होगी? कुछ संज्ञान आया या एक ही? अभी तो दो लोगों के समझ में आ रही है। तो सर इसके खिलाफ जैसे आज आपके विभाग के लोगों ने पकड़ाया, क्या कार्रवाई आपकी तरफ से होगी इस पर? अभी तो मैं साइड से आ रहा हूँ तो अभी देखता हूँ मैं क्या है क्या कहा। किस तरह से लोगों को जागरूक करना चाहेंगे सर, जैसे बिजली विभाग के जिनके मोटे मोटे बिल आ जाते हैं वो इधर उधर लोगों के आते हैं? मैं तो कहता हूँ हमारे सारे काउंटर हैं तो आप अपना डायरेक्ट काउंटरों पे जमा करें या ऑनलाइन बिल का पेमेंट करें। किसी तीसरे आदमी को कोई भी कैश के रूप में देने की पैसे जरूरत नहीं है। ठीक। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।